हेलो गाइस, दिस इज सीएमए प्रदीप ज्ञानी एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम अपना सीएमए फाउंडेशन की बिजनेस क्या नाम है इसका, हमारा एक बिजनेस का जो लेक्चर है उसको हम आगे कैरी कर रहे हैं। स्टडी नोट नंबर 9 है जिसको हम कैरी कर रहे हैं। स्टडी नोट नंबर फाउंडेशन के लिए 9 है और बिजनेस के लिए आप बोले तो 1 है। तो स्टडी नोट नंबर 9 आपकी बुक का, तो हमने यहाँ तक कर दिया था। अब हम करने जा रहे हैं आज लीडिंग स्टार्ट करेंगे। गाइस, लीडिंग का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, एक टीम में ना एक टीम लीडर होता है। वो टीम लीडर की जरूरत क्या होती है? वो टीम लीडर क्या करता है कि गाइड करता है। वो टीम लीडर क्या करता है? मोटिवेट करता है। वो टीम लीडर क्या करता है? बूस्ट करता है अपनी टीम के बंदों का, ताकि काम को आसानी से किया जा सके बिना किसी प्रेशर के। इम्प्लॉय भी विदाउट एनी प्रेशर काम को कर सके, स्मूथली काम हो, रिजल्ट निकले उस काम का। तो लीडर का मतलब होता है जो उसको मोटिवेट करे, इन्फ्लुएंस करे इम्प्लॉय को, ठीक है ना, ताकि एक इफेक्टिव ग्रुप बन सके। किसी के अंदर मन मुटाव ना रहे, पता चले मैनेजर रात के 12-12 बजे उनको फोन कर रहा है, रात के 12-12 बजे उनको कॉल कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लीडर का मतलब जो लीड कर सके। आप क्रिकेट में भी देखते होंगे धोनी को, तो कूल काम है वो, कुछ कभी कुछ उल्टा नहीं बोलता, वो कभी कुछ ऐसा नहीं बोलता, हमेशा कूल काम माइंड में रहता है, ठीक है ना। तो लीडर का मतलब होता है यार जो अपने, मतलब जो बेकार से बेकार प्लेयर को भी निखार कर उसके को मोटिवेट कर कर लाया जाए। आप देख लीजिए रोहित शर्मा 5वें 6वें नंबर पर पहले बैटिंग करते थे, उन्होंने चांस दिया ओपनिंग में, उसको बूस्ट किया धोनी ने, मोटिवेट किया, तो आज देख लीजिए विश्व का अगर धाकड़ बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज हमारा रोहित शर्मा। सेम ऐसी लोकेश राहुल को विकेट कीपिंग हो गई आपकी। तो ये सब चीजें क्या होता है कि लीडर की क्वालिटीज होती है कि वो अपने बंदों को दबाने की बजाय उसको ऊपर उठाए, उसको मोटिवेट करे। ऐसे नहीं उसको और दबाए कि तेरे अंदर ये कमी है, तो ये सही से नहीं कर पा रहा, हर बार ये गलतियां कर देता है। अरे गलतियां करता है साहब, उसकी गलतियों को तो थोड़ा बहुत दिखाओ, इतना दिखा दो, बाकी उसकी अच्छाइयों को भी दिखाओ, ताकि वो खुश हो कि यार गलतियां भी दिखा रहा है, मेरी अच्छाइयां भी दिखा रहा। आप गलतियां ही गलतियां दिखाएं, आप गलतियां ही गलतियां दिखाएं, तो यार ये थोड़ा अनएथिकल है। ऑर्गेनाइजेशन में भी देखते होंगे आप, मैनेजर कई बार मैनेजर ऐसे कर देते हैं कि बंदे का जाने का टाइम होता है तो उसको कॉल कर देते हैं कि यार अब ये काम है, तो दिस इज अनएथिकल। आप मॉर्निंग से भी तो बोल सकते हो। तो लीडर का मतलब होता है कि आप लीड करें, ऐसे नहीं कि परेशान करें कि आप लीडर हो, आप टीम लीडर हो तो आप परेशान कर सको। तो ये है, अब हम बुक की लैंग्वेज पढ़ते हैं। लीडिंग इज अनदर ऑफ द बेसिक फंक्शन विद इन द मैनेजमेंट प्रोसेस। ये फंक्शन है लीडिंग, इज द यूज ऑफ इन्फ्लुएंस टू मोटिवेट एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। अगर आपके एम्प्लॉय खुश रहेंगे तो ही आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल होगा। मैनेजर के खुश रहने से कुछ नहीं हो सकता, मैनेजर के खुश रहने से आपको नुकसान ही नुकसान होगा। कंपनी जो डूबती है वो इसलिए डूबती है कि बंदों को फायर कर रहे हैं, बंदे अपना रिजाइन दे के जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कोई मतलब है नहीं। मैनेजर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको रिकॉर्ड ड्राफ्ट, मैनेजर मस्ट बी एबल टू मेक एम्प्लॉयज वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल, यानी वो मोटिवेट करे अपने एम्प्लॉयज को, मोटिवेट करे कि यार आपको भी योगदान देना चाहिए कंपनी के लिए, आप काम को इस तरीके से करो, आप काम को इस तरीके से करो। थ्री कंपोनेंट मेक अप द लीडिंग फंक्शन। थ्री कंपोनेंट है मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, यानी अपने लीडर जो है ना, जो लीडर है टीम लीडर, वो अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करे, यार तुम अच्छा काम करते हो, यहाँ पर इस चीज को ये अच्छा किया आपने, लेकिन आप इसको इस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हो, इस तरीके से इसको समझाना चाहिए। इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस करे, उसको प्रभाव करे, प्रभावित करे, यार तुम आप गजब से काम करते हो, तुम यार पहले इसको अच्छा नहीं करते थे, लेकिन आज देखो तुम लकालक करते हो, तुम्हारी ये लगन थी सीखने की, इस तरीके से उसको मोटिवेट करे। फॉर्मिंग इफेक्टिव ग्रुप, ठीक है ना, अपनी अच्छी एक अच्छी टीम बनाए। अगर उसको लगता है कि टीम में कोई ऐसा बंदा है जो उसकी टीम के, जो उसका काम करने की क्षमता को कम कर रहा है, तो यार आप फायर कर सकते हो उसको। आप उसको समझाओ, वार्निंग दो, उसको सिखाओ क्या गलती है, नहीं सीखता तो फिर आप फायर कर दीजिए, लेकिन आपकी टीम इफेक्टिव होनी चाहिए, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। द लीडिंग प्रोसेस हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन मूव फॉरवर्ड टुवर्ड गोल अटेनमेंट। आपकी लीडरशिप की प्रोसेस ही काफी हद तक डिफाइन कर देगी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। कंट्रोलिंग गाइस, अभी लास्ट फंक्शन है हमारा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, और ये हमारा कंट्रोलिंग की क्लास है। फंक्शन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। मैनेजमेंट में, बिजनेस मैनेजमेंट में 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और हमारा कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग का मतलब लीडरशिप भी हो गया। कंटेंट एंड ऑर्डिनल कंटेंट दैट मैनेजरियल कंट्रोल इंप्लाइज द मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। मतलब प्लेसमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड, मतलब कि क्या होता है ना कि हम लोग ना जब प्लानिंग करते हैं तो ये डिफाइन करते हैं कि हमारा इस साल का ऑब्जेक्ट है, इतना हमें प्रॉफिट अटेन करना है, इतनी हमें सेल चाहिए। तो जब हम एक्चुअल में हमें आएगा तो हम उसको कंपैरिजन करेंगे, तो हम कंपैरिजन करेंगे कि हमने इतना सोचा था स्टार्टिंग में, क्या इतना हमने अचीव किया है, क्या इतना प्रॉफिट हमने अचीव किया है,
क्या इतनी सेल हमने अचीव करी है, क्या इतने जितने हमने गोल डिफाइन किए थे पूरे साल के लिए क्या इतनी अचीव किया है, तो ये देखा जाएगा कि मेजरमेंट करेंगे हम कि जो हमने बजट बनाया था, जो हमने सोचा था, क्या एक्चुअल में उतना हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन है कि नेक्स्ट ईयर ऐसा ना हो। एंड करेक्शन ऑफ डेविएशन, यानी आप करेक्शन करेंगे, अगर गलती हो गई तो कोई नहीं, लेकिन वो गलतियां करें ताकि आने वाले सालों में ना हो। टू अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू प्लान, यानी सिंपल सा कंट्रोलिंग, आपने प्लानिंग में डिफाइन, आपने प्लानिंग में आपने अपने गोल्स बना ली कि मुझे इतना सेल करनी है, इतना प्रॉफिट करना है, मुझे इतने नए प्रोडक्ट और मार्केट में लाने हैं। साल के अंत में देखोगे आपने आप कहां तक पहुंचे हो, क्या आपने उतना जो ऑब्जेक्टिव, जो गोल्स आपने डिफाइन किए थे, क्या आप उनको अचीव कर पाए हो, हाँ या ना, तो ये चीजें आप देखेंगे इसमें। कंट्रोल फंक्शन इज क्लोजली कनेक्टेड टू प्लानिंग, कंट्रोल फंक्शन इज क्लोजली कनेक्टेड टू प्लानिंग, इनफैक्ट कंट्रोल इज एन इफेक्टिव काउंटर पार्ट टू प्लानिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल आर सो इंटरवीन दैट इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन वेयर। आप इसको कुंटे देन ओडन को कर लीजिए, आप इसको कर लीजिए, बाकी रहने दीजिए आप। कंट्रोल प्रोसेस आ सकता है पेपर में, पहला स्टेप है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, यानी पहला जब हमारा जो पहला प्रोसेस था प्लानिंग, उसी में हम डिफाइन कर लेंगे कि हमारे स्टैंडर्ड्स क्या, हमें चाहिए क्या, कितना हमारा सेल्स होना चाहिए, कितना हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, कितना हमें सेल्स, कितना हमें प्रॉफिट, कितने हमें नए प्रोडक्ट लाने हैं, कितने हमारी क्या क्या गोल्स होंगे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो हम डिफाइन करेंगे। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने ये तो हमने प्लान कर लिया था, तो एक्चुअल में हम उसको मेजर करेंगे कि भाई साल के अंत में जो हमने साल के शुरुआत में जो हमने उद्देश्य रखे थे क्या उनकी पूरी हुई है कि नहीं हुई। अब हम उनका कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल के साथ, कंपेयरिंग द एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड, यानी जो आपने प्लानिंग करी थी उसका आप क्या करेंगे, आप एक्चुअल, आपको साल के अंत में आपको एक्चुअल डेटा मिल जाएगा तो आप उसकी तुलना कर लीजिए। अगला पॉइंट है टेक करेक्टिव एक्शंस। टेक करेक्टिव एक्शंस कहने का मतलब होता है कि आप नेसेसरी एक्शंस लीजिए। अगर मान लीजिए आपके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव नहीं हो पाए, आपके ऑब्जेक्टिव्स अगर अचीव नहीं हो पाए तो आप एक्शंस लीजिए, आप अच्छे अच्छे एक्शंस लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट ईयर में तो कम से कम ये जो इस बार आप अचीव नहीं कर पाए कम से कम नेक्स्ट ईयर तो अचीव कर पाए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ऐसा नहीं कि यार इस साल नहीं हुआ तो आप रोने लग जाओ कि नहीं यार इस साल नहीं हुआ, इस साल नहीं हुआ, फॉरगेट अबाउट इट, व्हाट एवर हैपेंड हैपेंड, इट इज अ पास्ट, बट टेक करेक्टिव एक्शंस, आप एक्शंस लीजिए ताकि आप इन फ्यूचर वो चीजें ना हो सके, कम से कम इतना तो आप कर सके। बात कह रहे हैं कि करेक्टिव जो एक्शन है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, रीसेटिंग द स्टैंडर्ड्स, अगर आपको कुछ लगता है कि आपको कुछ चेंजेस करने चाहिए करिए साहब, आपको ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, आपको प्रॉफिट को पाने के लिए जो आपको लगता है, नई मशीन लेकर आनी है लाइए आप, आपको नए मैनेजर्स हायर करने हैं हायर करिए, आपको नई टीम बनानी की थी नई टीम बनाइए, आप बंदों को हायर करिए, आप मशीन लगवाइए, आप जो आपको करना है करिए, लेकिन आपको जो आपने गोल डिफाइन किए हैं आप उनको अचीव करना आपकी जिम्मेदारी है। रीएलोकेशन ऑफ ड्यूटीज टू एम्प्लॉयज, अगर आपको लगता है कि किसी बंदे को कोई और ड्यूटी देनी चाहिए वो उस काम को अच्छे से नहीं कर पा रहा, या कोई और बंदा इस काम को अच्छे से कर सकता है, तो आप रीएलोकेट करिए ड्यूटी को, ये जरूरी है आपको। चेंजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मैंने वही कहा कि आपको लगता है कि कोई परिवर्तन करना जरूरी है, आपको नई टीम लानी नई टीम लाइए, आपको बंदों को मूवमेंट करना है करिए साहब आप। प्रोवाइडिंग मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करिए, उनको रिइंबर्समेंट अच्छा दीजिए, कंपनसेशन अच्छा दीजिए, सैलरी अच्छी दीजिए, बोनस अच्छी दीजिए, लीव दीजिए, उनको आपको बेनिफिट दीजिए ताकि वो और मोटिवेट हो सके और ऑर्गेनाइजेशन में लगे रहें, स्टेबल रहें, ऐसे नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ छोड़ कर जा रहे हो। ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम बूस्ट करिए, मोटिवेट करिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, आपको अगर कोई नया काम आ रहा है तो पहले उनको सिखाइए, मैनेजर जो है उनको ट्रेनिंग दीजिए, एक ट्रेनिंग का सेशन रखवाइए उनके लिए। कंट्रोलिंग की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी होगी, व्हाट टू कंट्रोल, क्या आपको कंट्रोल करना है। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एट एनी वर्क यूनिट मैनेजर हैव टू डिसाइड इन एडवांस द एरिया ऑफ पॉइंट्स ऑफ एक्टिविटीज व्हिच नीड टू बी कंट्रोल्ड, दीज आर द सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस इन रिलेशन टू द होल एक्टिविटी एंड डिजायर्ड रिजल्ट, दिस लीड टू एग्जामिन टू कॉन्सेप्ट क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड कंट्रोल ऑफ एक्सेप्शन। क्या होगा कि आपको आपको दिखाना पड़ेगा कि किस चीज को कंट्रोल करना पड़ रहा है, जहां पर आपको कमी लग रही है तो आप उसी को तो कंट्रोल करोगे, तो पहले आप डिफाइन करोगे कि किस किस एरियाज में आपको कमी लग रही है। अगर आपको लग रहा है कि आपको एम्प्लॉयज को हायर करने चाहिए आप हायर करिए, आपको लगता है कि आपको नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए नए सॉफ्टवेयर अडॉप्ट करने चाहिए आप करिए,
जो आपको ऑब्जेक्टिव पाने के लिए जरूरी है हर वो कदम करिए सर आप। हर कोई काम जो आपको ऑब्जेक्टिव पाने के लिए जरूरी है करिए साहब आपको उसको काम को आपको। तो दो पॉइंट निकले, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, इन अ सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटी कैन बी वॉच्ड एंड कंट्रोल्ड इन अ क्लोज मैनर, बट एज अ सिस्टम बिकम मोर कॉम्प्लेक्स इट मे नॉट बी पॉसिबल और नेसेसरी और इकोनॉमिकल टू कंट्रोल ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटीज। इन सच केसेस कंट्रोल हैव टू बी सिलेक्टिव। अ फ्यू क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, यानी आपको सारे एरिया को कंट्रोल नहीं करना, आपको जहां पर लग रहा है कि कमी है आपको तो आपको कर रहा है। मान लीजिए आपकी मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो अकाउंट्स पेबल की टीम है वो लग रहा है कि आपको ढंग से काम नहीं कर पा रही है, तो आपको उनके ऊपर काम करना है, आपको उनको चेंजेस करना है। आप ऐसा नहीं कि सभी जगह चेंजेस कर रहे हो, आप समय वेस्ट मत करिए, आप अपना जो रिसोर्सेज है लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको वेस्ट मत करिए। जहां पर आपको लग रहा है कि यहाँ सुधार करने की जरूरत है मेरे दोस्तों, वहां सुधार करिए, बेफालतू में पंगे लेने की जरूरत नहीं है। जहां आपको लगता है कि यहाँ सुधार करने की जरूरत है बिल्कुल करिए, बेफिक्र होकर करिए आप, लेकिन वहां सुधार आप करिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बेफालतू में जहां सुधार की जरूरत नहीं है आप वहां भी सुधार कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में मतलब सुधार उन एरियाज में करिए जिन एरियाज में आपको लगता है सुधार करने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। द प्रिंसिपल इज वाइडली प्रैक्टिस्ड बाय मैनेजर इन ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स दैट मैनेजर एट ईच लेवल शुड पे अटेंशन टू ओनली एक्सेप्शन एंड सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम प्लान रिजल्ट। ओनली एक्सेप्शन ऑफ द ऑफलाइन फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम शुड हैव डिजर्व्स मैनेजर अटेंशन एंड द वेरिएबल एक्शन परफॉर्मेंस व्हिच इज लार्जली विद इन द प्रोपोज़ल स्टैंडर्ड एट स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइनर डेविएशन ऑफ इतना। ये भी वही बोल रहा है कि आपको जिन जिन एरियाज में लगता है कि यहाँ इन एरियाज पर आपकी कुछ कुछ कमी है तो उन एरियाज पर काम करिए, बस ये बोलना चाह रहा है आपको। टाइप्स ऑफ कंट्रोल, एक होता है फीडबैक कंट्रोल, कंकरेंट कंट्रोल और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। तीन टाइप्स ऑफ कंट्रोल में फीडबैक कंट्रोल, कंकरेंट कंट्रोल और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। आइए पढ़ते हैं फीडबैक कंट्रोल। ऑल फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम सम मैसेज इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, अ केमिकल रिएक्शन और एनी अदर मीन्स व्हिच इज नोन एज साइबरनेटिक्स। इन सोशल सिस्टम आल्सो सम इंफॉर्मेशन इज सेंट बैक टू एक्सरसाइज कंट्रोल। एनी गुड मैनेजर सिस्टम कंट्रोल इटसेल्फ बाय द इंफॉर्मेशन फीडबैक व्हिच रिसीव्स एरर इन अकम्प्लिशिंग। मतलब फीडबैक देना, मतलब आप बंदों से पूछिए फीडबैक, मतलब आप बंदों से पूछिए कि आपको लगता है कि कहां पर किन एरियाज में आपकी कमी है, जिन एरियाज में कमी है आप उन एरियाज पर काम करिए। तो फीडबैक लीजिए, आप अपने मैनेजर से फीडबैक लीजिए, अपने जो कंट्रोलर्स हैं उनसे लीजिए, है ना, आपके जो जो लीडर हैं जो टीम को लीड करते हैं आप उनसे फीडबैक लीजिए, उन जिन एरियाज में आपको लगती है कि कुछ कमी है तो उन एरियाज पर आप काम करिए। कंकरेंट कंट्रोल, इट इज नोन एज रियल टाइम और स्टीयरिंग कंट्रोल्स। इट्स कॉल्ड रियल टाइम और स्टीयरिंग। इट इज कंसर्न्ड विद द एडजस्टमेंट ऑफ परफॉर्मेंस बिफोर एनी मेजर डन। फॉर इंस्टेंस द डायनेमिक ऑफ शिप एडजस्ट द मूवमेंट कंटीन्यूअसली और द ड्राइवर ऑफ अ कार एडजस्ट इट्स स्टीयरिंग कंटीन्यूअसली डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑब्स्टेकल्स एंड अदर फैक्टर्स इन ए फैक्ट्री। कंट्रोल चार्ट इज एन एग्जांपल कोऑर्डिनेट टू कंट्रोल। इतना ये कहना चाह रहा है, देखो दोस्तों ये कहना चाह रहा है कंकरेंट का मतलब कुछ जो नेसेसरी एक्शंस लेने ना वो आपको, ऐसा नहीं कि आपको जब एक्चुअल रिजल्ट आएगा तब, आप साथ साथ जैसे जैसे चलते जा रहे ना, अगर आपको यहीं पर लग रहा है कि कुछ चेंजेस ले लीजिए आप, कुछ फायदे होंगे आपको तो आप वहीं पर ले लीजिए। कंकरेंट मतलब जैसे आपने स्टार्टिंग में प्लानिंग करी तो आपने एक चार्ट बनाया होगा ना कि इस तरीके से काम करना है। अगर आपको लग रहा है कि इस चार्ट में कुछ परिवर्तन करने से आपको बेनिफिट हो सकता है, आपके कोई एक सीनियर मैनेजर ये बात बोल रहे हैं तो आप उसको ले लीजिए, वो आपके लिए फायदेमंद हुआ। कंकरेंट का मतलब साथ साथ, आप साथ साथ उन चीजों को बेनिफिट को लीजिए, चेंजेस करिए साथ साथ। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल इन्वॉल्व इवैल्यूएशन ऑफ इनपुट। आप इनपुट को इवैल्यूएशन करिए। फीड फॉरवर्ड फॉलोज दिस सिंपल प्रिंसिपल दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन वीकनेस लिंक।
स्पीड फॉरवर्ड कंट्रोल का ऑर्गेनाइजेशन को ना अपने वीकर सेक्शंस को देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम आपकी वीक है, कौन सी टीम जो है जिससे आपको इनइफेक्टिव काम निकल रहा है, तो उस टीम पर आप समय दीजिए, उस टीम के बंदों को समझाइए कि हम इस तरीके से भी आप काम को अच्छी तरीके से कर सकते हो, उस टीम पर आप काम करिए, देखिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिक प्रॉफिट करने ले जाएगी, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑटोमेटिक अपने गोल को ऑब्जेक्टिव अपने गोल को पाना स्टार्ट कर देगी। फॉर एग्जाम्पल इफ मशीन इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली द ऑपरेशन विल लुक फॉर सर्टन क्रिटिकल कंपोनेंट टू सी वेदर दे आर वर्किंग वेल और नॉट। मान लीजिएगा कोई मशीन काम नहीं करी तो आप उस मशीन को ठीक करवाइए ना, आप सारी ऑर्गेनाइजेशन में छेड़ाछेड़ी करने की बजाय आप उस मशीन को ठीक कराइए, उस मशीन को ठीक कराएंगे तो आपको ऑटोमेटिक आउटपुट आपको रिजल्ट अच्छा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप उन एरियाज में काम करिए जहां पर आपको लगता है कि इन एरियाज में काम करने से आपको फायदा मिलेगा। अब सभी जगह हाथ मारने से बेटर है उन एरियाज पर, उन चीजों पर काम करिए जहां पर आपको लगता है कि ये आपको बेनिफिट देगा, उन एरियाज पर आप काम करिए दोस्तों। किसी भी कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है उसको एक अच्छे तरीके से बनाने के लिए क्या क्या मेजरमेंट लेने चाहिए वो हम पढ़ रहे हैं। देयर शुड बी अ मैच बिटवीन द टाइप ऑफ फंक्शन एंड द सिस्टम ऑफ कंट्रोल एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैच होना चाहिए मतलब, ठीक है ना, आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए किसी एक टीम के बीच में भी, किसी एक डिपार्टमेंट के बीच में भी। अगला कर रहे हैं हम, द कंट्रोल सिस्टम शुड बी सेंसिबल इनफ टू पॉइंट आउट डेविएशन फ्रॉम प्लान इमीडिएटली सो दैट corrective action can be initiated with the little loss of time and before any damage is caused। यानी अगर आपको 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 बहुत पहले ही पता लग गया कि आपको ये necessary action ले लेने चाहिए तो आपको immediately ले लेने चाहिए। क्या फायदा, आप मान लीजिए आपको लगता है कि आपको आपके अभी आपका मान लीजिए क्या नाम है उसका, आपका इकोनॉमिक्स पर आपकी कमांड नहीं है, अकाउंट्स पर आपकी कमांड नहीं है, अगर 3 महीने एग्जाम के अभी बच्चे हैं, अभी सितंबर है, तो आप नेसेसरी एक्शंस ले लीजिए, आप नेसेसरी एक्शंस ले लीजिए। फायदा क्या होगा कि आप 6 महीने दोबारा एग्जाम दो, तो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको लग जाता है कि आपकी ये कमी है स्टार्टिंग में ही, तो आप उस कमी के ऊपर काम करिए, आप उस कमी के ऊपर दोस्तों काम करिए, आपको फायदा उस कमी के ऊपर काम करने से आपको जरूर मिलेगा मेरे दोस्तों। द कंट्रोल सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल एंड फॉरवर्ड लुकिंग जस्ट लाइक द प्लानिंग सिस्टम टू इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स सब सिस्टम अडॉप्ट एंड जस्ट एडजस्ट देयर गोल्स एंड द मींस ऑफ रीचिंग देम इन टर्न विद द चेंज इन एनवायरनमेंट इन द शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम। आपका जो जो सिस्टम है ना, जो आपका सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई चेंज लेने से आपको फायदा होगा, तो फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल ले। आपको कुछ लग रहा है कि आपको चेंज करने से आपको फायदा होगा, इमिजिएटली आप चेंज लीजिए, ठीक है ना। फायदा क्या, आप साल के अंत का इंतजार करें या आप रिजल्ट का इंतजार करें और रिजल्ट आपको पता है कि फायदा देगा नहीं। जब आपको पता लग गया कि आपको इस एरिया में कमी है, जब आपको अर्ली स्टेज में ही ये चीज पता लगी, तो आपको उस अर्ली स्टेज में ही काम स्टार्ट कर देना चाहिए। द कंट्रोल सिस्टम शुड फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक एंड की एक्टिविटी एरियाज और पॉइंट्स व्हिच आर क्रिटिकल टू ओवरऑल परफॉर्मेंस। कुछ एरियाज जो आपको पता है कि यही मेरे प्रॉफिट के, यही मेरे ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए बहुत अहम है, तो उन अहम चीजों पर बहुत कंट्रोल होना चाहिए, उन पर आपको बहुत काम करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट पढ़ रहे हैं, द कंट्रोल सिस्टम शुड इनेबल मैनेजर टू यूटिलाइज देयर टाइम एंड टैलेंट मोस्ट इफेक्टिवली बाय कंसंट्रेटिंग ऑन मेजर और एक्सेप्शनल डेविएशन फ्रॉम प्लान्स। यानी जो मैनेजर्स हैं, जो लीडर है, उनको अपनी टीम को मोटिवेट करना चाहिए, अपने काम को इफेक्टिव करना चाहिए, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइज करना चाहिए अपने रिसोर्सेज का, चाहे वो ह्यूमन हो या चाहे वो सॉफ्टवेयर हो। ओके दोस्तों, सिक्स पॉइंट पढ़ रहे हैं, द कंट्रोल सिस्टम शुड बी फॉर्मल एंड ऑब्जेक्टिव फॉर एज अ पॉसिबल इन अ फेयरनेस टू दोज हूज परफॉर्मेंस इज मॉनिटर्ड रेगुलेटेड एंड वैलिडेटेड टू सम एक्सटेंट क्वांटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मीट दिस रिक्वायरमेंट। यानी ये कहना चाह रहा है कि आपका जो प्लान है, जो भी चीजें होनी चाहिए, वो बहुत ही स्मूथ होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब बहुत ही परेशान करे मैनेजर्स को, खुद ही परेशान करे तो वो अपने टीम के बंदों को क्या समझाएगा। बहुत ही स्मूथ होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में किसी भी नई चीज को तुरंत अडॉप्ट कर ले। ऐसा नहीं कि नहीं यार हम बीच में इस चीज को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए प्लान। कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब कंसिस्टेंट का मतलब लगातार आपका कंट्रोलिंग सिस्टम जो है ना वो लगातार चलते रहना चाहिए आपका। कंट्रोलर्स आर नथिंग मोर देन मींस टू बी अ सर्टेन एंड्स, दे आर एंड्स इन देमसेल्व्स, दे शुड कंस्टेंटली फोकस ऑन गोल्स टू अचीव on values to be perceived and interest to be promoted। यानी
कंट्रोलर का फोकस होना चाहिए अपने गोल के ऊपर। नौवा, द कंट्रोल सिस्टम शुड बी इकोनॉमिकल टू ऑपरेट। इकोनॉमी नीड नॉट हाउएवर बी एक्सरसाइज्ड एट द कॉस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस। समटाइम्स अ सिंपल एक्सपेंसिव कंट्रोल सिस्टम मे मैच विद द एक्सपेंसिव हाईली सोफिस्टिकेटेड सिस्टम। आपको कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट भी देखना चाहिए कि आपको कॉस्ट ज्यादा तो नहीं पड़ रही है, आपको अपनी कॉस्ट को कम करने के ऊपर काम भी करना चाहिए। टेंथ पढ़ रहे हैं हम, द कंट्रोल सिस्टम शुड गिव ड्यू अलाउंस टू फैक्टर्स और वेरिएबल विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बट विच अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ पीपल। परफॉर्मेंस को हमें टाइम टू टाइम इवैल्यूएट भी करना चाहिए। द कंट्रोल सिस्टम शुड बी डिजाइन टू मेजर एंड इवैल्यूएट द डिजायर्ड डाइमेंशंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटी इज एरिया। वो ये कि हमें टाइम टू टाइम जो है इवैल्यूएशन भी करना चाहिए कि हमने जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए हैं हम कहां तक उन ऑब्जेक्टिव तक पहुंचे हैं। द मींस अडॉप्टेड टू अचीव गोल्स शुड आल्सो बी केप्ट अंडर अंडर वॉच बाय द कंट्रोल सिस्टम बिकॉज़ बोथ मींस एंड एंड्स आर इंपॉर्टेंट, है ना। यानी हमें अपने रिसोर्सेज को भी ध्यान देना चाहिए कि कोई रिसोर्सेज का वेस्ट ना हो, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइज हो सके। Finally, the control system should be understandable to those performance in is sought to be regulated. The requirement of control should be communicated in a simple and straightforward manner to those who are abide by the system. अगला है दोस्तों principles of control, principles of assurance of objective. The task of control is to ensure that plan succeed by detecting deviation from plan and furnishing a basis for taking action to correct potential for actual deviations. हमारा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे कंट्रोलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेड कंट्रोल, यानी आपको भविष्य की को भी देखना चाहिए, भविष्य में होने वाली चेंजेस को भी देखना चाहिए, उसी हिसाब से आपको कंट्रोलिंग करनी चाहिए, उसी हिसाब से आपको प्लानिंग करनी चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर होना चाहिए कि इस काम को कंट्रोलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस व्यक्ति की है, किस लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डिफाइन होना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल, यानी कंट्रोल का एफिशिएंसी होना चाहिए, यानी रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल, हायर द क्वालिटी ऑफ एवरी मैनेजर इन अ मैनेजरियल सिस्टम दे वुड इंश्योर इन अ हाई क्वालिटी ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लान्स, यानी अपने प्लान्स को टाइम टू टाइम इवैल्यूएट कर सके, रिफ्लेक्शन कर सके। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सुटेबिलिटी, यानी आपको जो मतलब आपको जो टीम है वो क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में आपको बांटना पड़ेगा ताकि एक टीम को एक पर्टिकुलर काम को एक टीम जो है वो एक पर्टिकुलर काम को कर सके। इससे काम में एफिशिएंसी आएगी और आप 100% अपने काम को अचीव कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ कंट्रोल, मतलब एक टीम को एक बंदा कंट्रोल करना चाहिए, यानी जो इंस्ट्रक्शन मिलने चाहिए ना ऊपर से, जो इंस्ट्रक्शन मिलने चाहिए एक टीम को किसी एक बंदे से मिलने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड, इफेक्टिव कंट्रोल रिक्वायर ऑब्जेक्टिव एक्यूरेट एंड सुटेबल स्टैंडर्ड्स। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस बाय रेफरेंस टू स्टैंडर्ड्स शुड बी वेरीफाइएबल। स्पेसिफिक एंड सिंपल स्टैंडर्ड शुड अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ पीपल हु हैव टू अबाइड बाय देम। मतलब वो ये है कि इफेक्टिव कंट्रोल रिक्वायर ऑब्जेक्टिव, मतलब आपके एक ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, डिफाइंड होने चाहिए आपके स्टार्टिंग से ही, आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होने चाहिए, डिफाइंड होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जो आपके क्रिटिकल पॉइंट है उनको आप उन पर आपका ध्यान होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, द मोर मैनेजर कंसंट्रेट कंट्रोल एफर्ट्स ऑन एक्सेप्शन द मोर एफिशिएंट विल बी रिजल्ट ऑफ देयर कंट्रोल। द प्रिंसिपल सजेस्ट दैट मैनेजर शुड बी कंसंट्रेट ऑन सिग्निफिकेंट डेविएशन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रॉम प्लान्स। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल, इफ कंट्रोल्स आर टू रिमेन इफेक्टिव डिस्पाइट फ्यूचर और अनफोर्सीन चेंजेस ऑफ प्लान्स फ्लेक्सिबिलिटी इज रिक्वायर्ड इन देयर डिजाइन। सिंगल वही है, सिंपल था। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अगर आपको लगता है कि कोई चेंजेस आपको करने चाहिए तो आपको उन चेंजेस को अडॉप्ट करना जरूरी है।
प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शंस हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एक्शंस लेने चाहिए तो आपको नेसेसरी एक्शंस जो हैं वो टाइम टू टाइम आपको ले लेने चाहिए। अब टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल में क्या है, बजटरी कंट्रोल, यानी हम स्टार्टिंग में ही बजटरी मतलब हम स्टार्टिंग में ही चीज़ें बना लेते हैं कि इस काम को इस तरीके से होना था या इस काम को इस तरीके से होना था। बजट आर यूजफुल एज टूल्स ऑफ कंट्रोल टू एक्सटेंड दैट दे आर परमिट मॉनिटरिंग मेजरमेंट इवेलुएशन रेगुलेशन एंड करेक्शन ऑफ एंटरप्राइज एक्टिविटी अलॉन्ग विद डिजायर्ड प्री डिटरमिंड डायरेक्शन। यानी आपके पास स्टार्टिंग में ही आपने परफॉर्मा बना लिया कि इस काम को इस तरीके से करना है, ये स्टेप्स होंगे इसको, तो उन्हीं स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। दी एसेंशियल एलिमेंट क्या है, दी एसेंशियल एलिमेंट क्या है बजटरी कंट्रोल के, ट्रांसलेशन ऑफ एंटरप्राइज गोल्स इनटू सब गोल्स, यानी छोटे 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 गोल्स में बांट लेना, वेरियस ऑपरेटिंग यूनिट्स विच आर फर्दर ऑपरेशनलाइज स्टैंडर्ड, मतलब आपको टीम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना, टारगेट को छोटे छोटे चीजों में कर लेना, डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिसोर्स रिक्वायर्ड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, यानी कितने बंदे आपको लगेंगे इस काम को करने के लिए, फंड्स कितना लगेगा आपको, लेबर कितनी लगेगी, टाइम कितना लगेगा, ये चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी। तो ये बजट मतलब आप बजट का मतलब फ्यूचर फोरकास्ट कर रहे हैं, फ्यूचर एस्टिमेट कर रहे हैं ये चीजें। अकॉर्ड ऑफ जनरल सैंक्शन फॉर द एक्विजिशन एंड लोकेशन ऑफ बजटरी रिसोर्सेज सो पेरिस एक्टिविटी विद इन द बजटरी पीरियड, यानी किस यूनिट में कितने बंदे चाहिए, किस यूनिट में कितना फंड चाहिए, ये सब चीजें आप पहले डिफाइन कर लेते हैं। डिवॉल्यूशन ऑफ नेसेसरी अथॉरिटीज एंड फिक्सिंग अप ऑफ अकाउंटेबिलिटी, आपको अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी कि इस टीम को ये काम दे दिया है तो उसका उस टीम की जिम्मेदारी बनेगी कि टाइम पर उस काम को खत्म किया जाए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग मेजरिंग एंड इवैल्यूएटिंग प्रेजेंट, इतना मतलब एक आपका सिस्टम होना चाहिए कि आप टाइम टू टाइम अपने काम को इवैल्यूएट कर सकें, ऐसे नहीं कि जब काम एंड होगा तभी इवैल्यूएट करें और तभी गलतियां पता चले, अगर आप टाइम टू टाइम उसको इवैल्यूएट करोगे तो बीच में जो गलतियां हो रही हैं उन पर सुधार हो सकता है। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देखिए, आपका ट्रेडिंग हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो हो गया आपका, इन सब चीजों पर इवैल्यूएट करिए आप। ब्रेक इवन एनालिसिस, आप ब्रेक इवन एनालिसिस देखिए, आप ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है गाइस, कि एक ऐसा लेवल जहां पर ध्यान रखना, जहां पर मेरी कॉस्ट और प्रॉफिट बराबर होता है, यानी ऐसा कोई लेवल जहां पर मुझे प्रॉफिट जीरो होता है, मतलब जितना मैंने कमाया उतना ही मैंने खर्चा कर दिया, मान लीजिए मेरे को जो कमाई हुई, मेरी जो रेवेन्यू हुई, या मान लीजिए आप मेरी जो सेल हुई वो मान लीजिए 100 रुपए हुई एक महीने की, और मेरी जो कॉस्ट आई मान लीजिए वो मेरी कितनी आई 100 रुपए, 100 रुपए आपने कमाया और 100 रुपए ही आपने खर्चा कर दिया तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ जीरो। तो इस लेवल को मैं कहता हूँ ब्रेक इवन लेवल, इस लेवल को मैं कहता हूँ जीरो वन लेवल को बीईपी, या ब्रेक इवन पॉइंट बोल दीजिए, या ब्रेक इवन लेवल बोल दीजिए, कोई ऐसा लेवल जहां पर कॉस्ट और जो मेरी कमाई है यानी जो मेरा रेवेन्यू है वो दोनों बराबर होते हैं, यानी कॉस्ट 100 रुपए आई और रेवेन्यू भी 100 रुपए आया तो आपको कोई मुनाफा हुआ नहीं, आपने 100 रुपए कमाया 100 रुपए आपने खर्च कर दिया, तो कोई एक ऐसा लेवल जहां पर मेरी कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर होती है ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन लेवल कहलाता है, या बोल दीजिए कोई ऐसा लेवल जहां पर मुझे प्रॉफिट जीरो होता है वो मेरा कहलाया जाता है ब्रेक इवन लेवल या ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद MIS वेरी सम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बनाते हैं, सबमिट करते हैं, उससे इवैल्यूएट करते हैं कि कंट्रोलिंग सिस्टम जो हमारा अच्छा रेगुलेट हुआ या नहीं हुआ। मैनेजमेंट ऑडिट हम टाइम टू टाइम ऑडिट कराते हैं, मतलब इंटरनल हो गया या एक्सटर्नल हो गया, स्टैचुरी ऑडिट हो गया, इंटरनल ऑडिट हो गया या स्टैचुरी ऑडिट हो गया, जब हम हमारी खुद की टीम करती है तो उसको हम इंटरनल ऑडिट कहते हैं, जब बाहर से ऑडिटर आते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टैचुरी ऑडिट, ठीक है ना। तो वो ऑडिट रिपोर्ट देखते हैं, उसमें डेविएशंस आते हैं, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, उसमें मतलब पता लग जाता है कि यहाँ पर हमारा कुछ कमी है तो हम सुधार करते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट हो गया, ठीक है। ये हमारा कंट्रोलिंग जो है वो फिनिश हो गया हमारा। एक बार हम देखते हैं टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल क्या है। बजटरी कंट्रोल हम पहले से ही एस्टीमेट प्लान बना लेंगे, बजट मतलब फ्यूचर के लिए फोरकास्ट करना, एस्टीमेट प्लान बना, कितना पैसा चाहिए, किस टीम को कितना फंड चाहिए, कितने बंदे उनको हायरिंग के लिए चाहिए, कितना फंड चाहिए, कितनी कैपिटल चाहिए, कितने उनको सॉफ्टवेयर चाहिए, हार्डवेयर चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टाइम टू टाइम एनालाइज करिए, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक इवन एनालिसिस, एक ऐसा पॉइंट जहां पर ना तो मुझे प्रॉफिट होता है या ना ही मुझे लॉस होता है उसको एनालाइज करिए आप, ताकि आपको पता लगे ना कि इस, देखिए आपको पता लगे कि इस लेवल पर मुझे ना तो प्रॉफिट होता है ना ही मुझे नुकसान होता है, तो आप उस लेवल से बढ़ेंगे तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो आप ब्रेक इवन को एनालाइज करिए कि इस पॉइंट पर मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है और इतना मुझे नुकसान हो रहा है, तो इससे मैं
ज्यादा ऊपर लेवल लूंगा तभी मुझे क्या होगा, मुनाफा होगा। वेरियस मैनेजमेंट रिपोर्ट बनाइए, उससे आपको पता लगेगा कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, आपकी कंट्रोलिंग सिस्टम में क्या कमियां हैं, क्या आपकी कमियां रहेगी, जिनको उन कमियों को आप कर सको ताकि दोबारा से वो कमियां उजागर ना हो। मैनेजमेंट रिपोर्ट जो वेरियस इंटरनल ऑडिट्स रिपोर्ट है उनको पढ़िए, उनमें आपको कमी आएंगी। ऑडिटर्स आपको कमी बताएगा कि ये पॉइंट्स आपके लैक है, और स्टैचुरी ऑडिट जो बाहर का ऑडिटर आएगा उस रिपोर्ट्स को देखिए। तो ये मेरा कंट्रोलिंग सिस्टम था, हमने आज लीडरशिप पढ़ा, हमने कंट्रोलिंग पढ़ा, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था पहले लीडिंग, लीडिंग का मतलब कि हर एक टीम को ना एक लीडर मिलेगा, यानी एक मैनेजर मिलेगा जिसको हम लीडर कहते हैं। वो क्या करेगा, उसका काम क्या है कि अपने टीम से काम निकलवाना, लेकिन ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय को परेशान करे, अपनी टीम के बंदों को परेशान करे, वो उनको मोटिवेट करे, वो बूस्ट अप करे, एम्प्लॉयज हमेशा खुश रहे, चीयर अप माइंड में रहे। वो कंट्रोल का मतलब कि जो हमने अब तक काम किया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इन चीजों को देखना कि क्या हम वहां तक पहुंचे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे, कंट्रोल करेगा। अगर नहीं पहुंचे तो रीजन क्या, उन रीजन पर काम करेगा कि क्या कमियां रह गई थी, और अगर अच्छा है तो और अच्छा करने के लिए क्या किया जा सकता है, कमियां रह गई तो उन कमियों को सुधार करेगा ताकि वो दोबारा कमियां ना आए। अगर हमें अपने गोल को भले ही अचीव कर लिया तो क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सके, वो हमारा कंट्रोलिंग का काम है। कंट्रोल प्रोसेस में वही है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस से फिर हम कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, हम कंपैरिजन करेंगे कि कहां कहां कमियां रह गई, उन पर सुधार किया जा सके। टेक करेक्टिव एक्शंस, कंट्रोलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, कंट्रोलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, किन किन एरियाज पर मुझे काम करना चाहिए, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, टाइप्स ऑफ कंट्रोल, फीडबैक कंट्रोल हो गया, कंकरेंट कंट्रोल हो गया, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल हो गया। मतलब प्री रिक्विजिट ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, एक कंट्रोल सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या हमें मेजरमेंट लेने चाहिए, तो 13 पॉइंट्स से जो मैंने अभी आपको बताए थे। प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल, प्रिंसिपल्स ऑफ एश्योरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूचर डायरेक्टेड कंट्रोल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल, प्रिंसिपल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लान, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सुटेबिलिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ कंट्रोल, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैंडर्ड, प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शंस। टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल में आपका बजटरी कंट्रोल हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया, और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, और आपका मैनेजरियल ऑडिट हो गया। तो दोस्तों आज के लिए हम बिजनेस का जो अपना लेक्चर है आज का यहीं फिनिश करेंगे हम। इस वीडियो को देख लीजिएगा, कोई परेशानी हो तो आप मेरे जो लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स को भी पहले आप देख लीजिएगा। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्ट अस। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में डाल लीजिए, या इंस्टाग्राम या फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकती है। आपको गाइड चाहिए कि आप फाउंडेशन का कैसे करें, किसी भी रिलेटेड मैं क्वालिफाइड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट, मैं क्वालिफाइड सीएमए हूं, कोई भी डाउट हो आपको फॉर्म से रिलेटेड या कुछ भी, कहाँ ट्रेनिंग करनी है, क्या करना है, एग्जाम में किस तरीके से तैयारी करें, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए दोस्तों हम यहीं रुकेंगे।